हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत खुश मंगल होंगे। और आज बन रही है सब्जी मटर गोभी की, जिसके लिए मैंने मटर गोभी को धो के अच्छे से रख दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें सरसों का तेल डाला है। और सरसों का तेल गर्म होते ही इसमें साबुत धनिया, मेथी दाना, हरी मिर्च और लहसुन की 6 से 7 कली लंबे लंबे उसमें काट के डाल दी थी। और जैसे ही थोड़ा सा लहसुन हमारा हल्का फ्राई हुआ, उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इन सबको एक साथ अच्छे से भून लेंगे। क्या आपने कभी इस तरीके से आलू मटर या मटर गोभी की सब्जी बनाई है? इस चीज़ को देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अंत तक। देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। आज मैं ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से सोचा बनाने की, और ये सच में बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। इस तरीके से आप भी बनाइएगा। यहाँ पे मटर जब हमारे हल्के ट्रांसपेरेंट हो जाएं, इसका मतलब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी डाल दी है। गोभी को भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब गोभी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। मैंने आलू भी काट के रखे हैं, एक आलू को चॉप कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। गोभी, मटर, आलू आप जो खाते हैं वो डाल सकते हैं। और सर्दियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोग भी इस तरीके से सब्जी को बना के देखिएगा, वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आपको ये चैनल पे, मेरे चैनल पे अगर आपको रेसिपीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक शेयर कमेंट करके जाएँ। और मैंने जब गोभी फ्राई हो गई थी अच्छे से, तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है। और अब इन सबको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं थोड़ी इसको अलग तरीके से बना रही हूँ आज सब्जी को। आप पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा कि मैं किसको किस तरीके से बना रही हूँ। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरी दही ली है, जिसमें मैं नमक, हल्दी, धनिया, कस्तूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए है। आप चाहे तो डालें, नहीं खाते हैं तो ना डालें। और ऊपर से चॉप एक अनियन था, उसको मैंने इसमें मिला लिया है। और अच्छे से मिक्स करके ऊपर से हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और हम अब दही का जो पेस्ट है हमारा, उसको ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे अच्छे से। और बस लो फ्लेम, यहाँ पे थोड़ा सा लो करेंगे ताकि दही हमारी फटे ना एकदम से। और अच्छे से इसको, या तो इस समय आप फ्लेम को ऑफ कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें, फिर आप फ्लेम को ऑन कर दें। और यहाँ पे अच्छे से हम दही को सबके साथ मिला लेंगे और सिर्फ 8 से 10 मिनट इसको ढक के पकाएंगे इसके बाद। और इसके बाद देखिएगा कि क्या कलर आता है इसमें, इतना सुंदर सब्जी ये बन के बिल्कुल अलग तरीके से, इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट तैयार हुई है ना ये सब्जी। वाकई में खाने में बहुत टेस्टी थी। एक बार आप लोग भी इसको इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है इसमें। आप और इसमें मैंने थोड़ा सा कलर के लिए और कश्मीरी मिर्च मिलाई, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर हमारा और अच्छा आ जाए। और अगर आप और कुछ भी इसमें सब्जी डालना चाहें, जैसे बीन्स, कैप्सिकम, गाजर, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ मटर गोभी आलू डाला है आज। मैंने सोचा सिर्फ यही मिक्स करके बनाती हूँ, और कुछ अलग तरीके से बनाने की सोची, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया, जिसमें मैंने प्याज पहले नहीं डाला, बाद में डाला है। और टमाटर की जगह मैंने दही यूज़ करी है। और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है, लग रही है ना बिल्कुल स्वादिष्ट। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो, मेरे खाने बनाने का सिंपल तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग गाइस। और ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। इसको मैंने हरे धनिया से गार्निश कर लिया है। अब आप इसको आराम से खा सकते हैं, कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए ये हमारी मटर गोभी की सब्जी, जो कि बनी है बहुत स्वादिष्ट, बहुत नए तरीके से, बहुत अलग अंदाज में। ये सब्जी सबको बहुत पसंद आई थी। ऐसी और न्यू रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।
मैं अपनी आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी कुकिंग के ऐसी नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू।